Students, welcome to our new class. And first of all, I am so much thankful for all of you for watching my videos and subscribing my channel. कृपया इसी तरीके से मुझे appreciate करते रहिए और मेरा channel link share करते रहिए और subscribe भी करिए. चलिए शुरू करते हैं आज का class. और chapter है हमारा nutrition in animals. जो कुछ हम इसमें discuss करेंगे और सीखेंगे वो है digestion humans में किस तरीके से पूरा process complete होता है और जो फूड है उससे एनर्जी उनको किस तरीके से मिलती है. रूमनेट्स में जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, अमीबा में अलग है. तो अलग अलग जो हमारी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और उससे एनर्जी किस तरीके से उनको मिलती है, ये पूरा प्रोसेस हम इसमें स्टेप बाई स्टेप समझेंगे. तो शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास. लेट्स बिगिन. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. वी ऑल नो वी नीड फूड टू सर्वाइव. इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं दे ऑल्सो ड्राइव देयर न्यूट्रिशन आइदर बाई ईटिंग प्लांट्स डायरेक्टली. जो डायरेक्टली खा रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, हर्बीवोर्स. और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स विच हैव कंज्यूम्ड प्लांट्स कार्निवोर्स. यानी कि वो जानवर जो दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना पेट भर रहे हैं उनको, वो उनको भी पौधों की रिक्वायरमेंट है ना. जैसे एक शेर है वो एक डियर को अगर इनटेक ले रहा है तो डियर क्या खा रहा है, घास खा रहा है. तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. सम एनिमल्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं. ये चीज़ें आपको क्लियर हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. फूड हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. दीज आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. दीज कंपोनेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर कंपोनेंट्स बाई द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो अभी हम डाइजेशन को समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है और उस डाइजेशन के प्रोसीजर में किस कितना टाइम लगता है या फिर किस तरीके से वो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होता है. तो अब हम इस चीज़ को पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूड द इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. In animals, nutrition is carried out in 5 steps. First one is ingestion. Second one is digestion. And the third is absorption. Fourth, assimilation. And fifth होता है ization. यानी कि जो animals होते हैं उनमें जब वो food intake ले लेते हैं तो उसकी जो uses हैं वो क्या होते हैं, energy के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. ये आपको क्लियर है पहले से भी कि जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है जो हम फूड इनटेक में लेते हैं. उसी से हम ग्रो करते हैं और हमारा डेवलपमेंट होता है. तो ये जो हमने खाना खाया है वो 5 स्टेप्स में उसका डाइजेशन कम्प्लीट हो रहा है. तो फर्स्ट इंजेशन मीन्स कि हमने फूड इनटेक लिया है और अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्प से इजेशन ऑफ फूड लेते हैं यानी कि खाना खाते हैं. जैसे हम लोग आपने कहा है ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं फूड को च्यूइंग करने के बाद. हम लोग वन बाइट लेते हैं, हमारे पास टीथ हैं, टंग है जो उससे हम खाना च्यू करते हैं और फिर हम उसको स्वेलो कर लेते हैं. इसी तरीके से हर्बीवोर्स जो कि घास खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, पत्तियां वगैरह खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं, वो जल्दी जल्दी अपना खाना स्वेलो कर लेते हैं ग्रास एंड लीव्स को. आपने देखा होगा जैसे ये काऊ है ना, उसको आप खाने को दीजिए वो फटाफट उसको स्वेलो कर लेते हैं. फ्रॉग आपको पता है उसकी जीभ आगे से जुड़ी हुई होती है, पीछे से वो फ्री होती है और उससे वो अपना प्रे शिकार जो है वो पकड़ लेता है क्योंकि उसकी लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है. अगर कोई कीड़ा कहीं बैठा है तो ये आप देख रहे हैं फट से उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसको अंदर कर लिया. फ्रॉग का इस तरीके से इंजेशन कंप्लीट हो जाता है.
और जो एक्योटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्योटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, उसके पास टेंटिकल्स होते हैं, ये दिखाए गए हैं, और इनकी सहायता से वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। अगर आप और एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको पता है अमीबा, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो सीरोपोड से अपना फूड कैप्चर कर लेता है और उसको फिर इनटेक ले लेता है। स्पाइडर्स आपने देखी हैं, सभी के घरों में होती हैं, इसीलिए मैंने स्पाइडर का एग्जाम्पल लिया है कि वो क्या करते हैं, वैनम छोड़ते हैं जो उसका प्रे होता है उस पर, और फिर उसको इंजेक्शन कर लेते हैं, बाद में सक कर लेते हैं। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो स्वेलो करते हैं अपना फूड मस्कुलर फेनिक्स की हेल्प से। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा बटरफ्लाइज होती हैं, तो उनके पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस, उससे वो नेक्टर को सक कर लेते हैं फ्लावर्स के ऊपर से। तो इस तरीके से उनका इजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये सिर्फ फूड इनटेक की बात। फूड इनटेक लेने के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है फर्स्ट स्टेप के बाद, वो हमारा है डाइजेशन का प्रोसीजर। डाइजेशन के प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि जो फूड हमने खाया है वो फूड हमारा पहले ब्रोकन डाउन होता है स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड्स में। जो कुछ आप खाते हैं, जैसे आपने अगर एक एप्पल खाया है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, आपकी बॉडी उसको डायरेक्टली उसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकती, पहले उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करेगी। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद फूड जब सिंपलर सब्सटेंसेस में आ गया, तब हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, और इस प्रोसीजर को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में फूड का होता है एसिमिलेशन। जो हमारी बॉडी होती है उस एब्जॉर्ब फूड को हमारी एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, और इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट हमारा स्टेप रहता है इजेशन का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सम पार्ट ऑफ द फूड मे नॉट बी डाइजेस्टेड। अब उसको बाहर तो निकालना है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से एक्सपेल करना है, तो उसके लिए कुछ वाटर जो है वो हमें चाहिए, फेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो इजेशन का प्रोसीजर रिक्वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप सिक हो जाएंगे, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में कैसे पूरा का पूरा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है उसको समझते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। पूरा हमारा कंप्लीट जो प्रोसीजर है फूड का, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है, वो ये है। ये हमारा माउथ है, यहाँ से हमने क्या किया, फूड इंटेक किया, और माउथ के अंदर हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये एसोफेगस है, और ये स्टोमक है जहाँ खाना आपका जा रहा है, और ये इससे लगी हुई बड़ी सी एक ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है लीवर, इसके नीचे यहाँ पैंक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स पार्ट है, यहाँ गाल ब्लैडर है, और ये आपका रेक्टम और एनस है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो सिस्टम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है। इसमें कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। कुछ जो ग्लांड्स होती हैं, जैसे सेलिवरी ग्लांड्स हैं, पैंक्रियाज हैं, लीवर हैं, ये सब एसोसिएटिव रहते हैं इस डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। रोल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इसको हम अब पढ़ते हैं। तो आपने देखा है कि हम लोग जब अच्छे मूड में होते हैं तो हमारा खाना भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, और जो ब्रेन है उसका एक स्पेशल कनेक्शन होता है। हमारे जो इमोशंस हैं, जैसे एंगर है, एनग्जिटी है, सैडनेस है, जॉय है, इस सब का इफेक्ट हमारे डाइजेशन के प्रोसेस पे पड़ता है। बच्चे देखिए कितने खुश रहते हैं, फटाफट कुछ भी खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर घूमते फिरते हैं, फिर खा लेते हैं, और भी कोई टेंशन में है तो जो सुबह खाया है वो तो शाम तक चलेगा उसका। ऐसे ही आपने देखा स्टार फिश होती हैं, वो क्या करती हैं, कैन ब्रिंग आउट इट्स स्टोमक फ्रॉम इट्स माउथ, डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड एंड देन विड्रॉ इट्स स्टोमक अलॉन्ग विद द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने भी हमारे पार्ट्स यहाँ में दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले हमारा आता है माउथ। तो डाइजेशन जो हमारे फूड का है वो स्टार्ट होता है माउथ में, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है, सलाइवा है, टंग है और टीथ है।
तो ये सब क्या कर रहे हैं आपके सलाइवा, आपको हेल्प कर रहा है, फूड को मिक्स कर रहा है ये. सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा में स्टार्च जो प्रेजेंट है फूड के अंदर उसको ब्रेक करने की पावर होती है और वो इसको सिंपल सुगर्स में जैसे माल्टोज है, डेक्सट्रिन है, उसमें ब्रेक डाउन कर देता है. ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है जिससे फूड स्लिपरी हो जाता है और आराम से हमारे अंदर ईसोफेगस में चला जाता है. तो सलाइवा का काम आपको समझ आया कि फूड को ईसोफेगस से स्टोमक तक जाना है और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और एज अ लुब्रिकेंट काम करता है. नेक्स्ट हमारी क्या है, टंग है. टंग का काम क्या है, इसकी एक मस्कुलर नेचर है ना, हम रोल कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. तो क्या कर रहा है, ये फूड को टर्न कर रहा है और मिक्स कर रहा है ना. सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो जा रहा है टंग की वजह से और ये हेल्प कर रहा है कि जो चुईट फूड है वो पुश हो जाए ईसोफेगस में. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन आवर टंग. इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं. पहले ऐसे माना जाता था कि जो टंग है उसके स्पेसिफिक रीजंस में डिटेक्ट करने की पावर होती है, लेकिन ये ट्रू नहीं है. जो एंटायर टंग होती है हमारी उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और वो कम या ज़्यादा क्वांटिटी में सभी तरीके के जो टेस्ट हैं उनको सेंस कर सकते हैं. तो ये एक तरीके का क्या है, सेंसरी ऑर्गन है और ये डिटेक्ट कर लेता है अलग अलग टेस्ट को. कुछ चीज़ें आपको बहुत टेस्ट लगती हैं, अभी मामा कहीं पिज़्ज़ा खाओ बर्गर खाओ तो आप बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि उसका साल्ट सो और टेस्ट आपको बढ़िया लगेगा, आपको पसंद आएगा. स्वीट्स आप खाते हैं, रसगुल्ले वगैरह बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, है ना. और बिटर टेस्ट है वो भी आपको आपकी टंग बता देती है. तो जो आपकी ये जो टेस्ट का सारा मामला है, ये सारा आपका टेस्ट वर्ड जो है वो सेटल डाउन करते हैं. नेक्स्ट हमारे आते हैं टीथ. ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. जब आप छोटे होते हैं जैसे कि 6 मंथ से लेके 8 ईयर्स तक, तो 20 मिल्क टीथ ग्रो होते हैं और उनका जो है एक टेम्परेरी सेट होता है. ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट सेट के साथ जब आप 6 ईयर्स के हो जाते हैं, तब ये प्रोसीजर आपका शुरू हो जाता है और आगे जो आपके जो हैं परमानेंट टीथ आते हैं वो 32 होते हैं नंबर्स में, 16 हर जाव में होते हैं. यानी कि एक लाइफ टाइम में आपके दो तरीके के टीथ आते हैं, फर्स्टली आपके मिल्क टीथ और देन फिर आपके परमानेंट टीथ. अब यहाँ देखिए आपको अपने टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये है कंपैरिजन किसका, मिल्क टीथ का और परमानेंट टीथ का, कि आपस में इनमें कंपैरिजन क्या होता है. तो मिल्क टीथ कब आते हैं, 6 मंथ का जब चाइल्ड हो जाता है बर्थ के बाद, तब उसके मिल्क टीथ अपीयर होने शुरू हो जाते हैं. जबकि परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देते हैं आप जब वो 6 ईयर ऑफ एज का हो जाता है. ये कितने हैं, 20 हैं नंबर्स में और ये 32 हैं नंबर्स में. ये शेड ऑफ हो जाते हैं और इनका स्थान परमानेंट सेट ऑफ टीथ ले लेते हैं. ये लेकिन अगर परमानेंट टीथ शेड हो गए, आपने खूब चॉकलेट खाई, आपने बिल्कुल ठीक से ब्रश नहीं किया और आपने खूब शुगर खाया है, अच्छे तरीके से खूब चॉकलेट्स खाई हैं, तो फिर क्या होगा कि ये नेचुरली कभी भी रिप्लेस नहीं होते हैं, एक बार ही आते हैं. यहाँ आपके मोलर्स नहीं होते हैं जबकि इसमें 6 मोलर हर जॉ में होते हैं. द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनामेल. ये वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि ये हार्डेस्ट सबस्टांस है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और विजिबल पार्ट है टूथ का. यह गम्स के अबव होता है और क्राउन जो है उसको बोलते हैं. फॉर टीयरिंग कटिंग एंड च्यूइंग द फूड, हम फूड जो टीथ है उनका इस्तेमाल करते हैं. और 4 टाइप्स ऑफ टीथ हर जा में हमारे होते हैं. इंसीजर्स 4 in number होते हैं, इनका काम होता है बाइट करना और कट करना फूड को. कैनाइंस 2 होते हैं, टीयरिंग करते हैं फूड की. और प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं आपके 4 होते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है फूड की आपकी कंप्लीट करते हैं. तो इस तरीके से 16 सेट आपका एक हो गया सेट में और 16 ही अपर में. तो इस तरीके से आपके कितने हो गए, 32 टीथ कंप्लीट हो गए, ठीक है ना. तो आपको इन टीथ्स का ध्यान बहुत अधिक करना है अगर आपको हेल्दी रहना है. तो क्या करना है आपको, क्योंकि कुछ अगर पार्टिकल्स आपके फंसे रह जाते हैं दांतों के बीच में, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं,
अगर आपने ठीक से इनको साफ नहीं किया है तो इनमें बैक्टीरियाज होते हैं, और वे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अटैक करते हैं आपके एनामल पर और उसके बाद वहाँ पर कैविटीज़ को फॉर्म आउट कर देते हैं, होल्स हो जाते हैं। इसीलिए ब्रश करना कुछ भी खाने के बाद या फिर दो बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो कुछ भी आपने खाया है वो प्रॉपर क्लीन हो जाए, कुछ भी दांतों में फंसा हुआ ना रहे। तो हमें केयर ऑफ टीथ का बहुत ध्यान रखना है अगर हमें हेल्दी रहना है। दांतों में दर्द हो गया तो आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ ठीक से नहीं खा सकते, है ना। तो आपको अपने दांतों का बहुत अधिक ध्यान रखना है। ईसोफेगस एंड स्टोमक। ईसोफेगस, जब हम खाना खा लेते हैं, मुंह से हमने खाना खा लिया, तो इसको फूड को सलाइवा मिक्स हो जाता है उसके अंदर और फूड पुश डाउन हो जाता है नेक्स्ट ऑर्गन में, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं सिंपल भाषा में, और हम उसको ईसोफेगस भी कहते हैं। ये एक पैसेज होता है जो कैरी करता है फूड को माउथ से स्टोमक में। ये हमने खाना खाया है यहाँ से और ये पूरा ऐसे कैरी करके हमारे स्टोमक तक फूड को लेकर चला जाता है। तो फूड इज पुश डाउन इन अ वेव लाइक मोशन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये ईसोफेगल मसल्स जो होती हैं ये इसको करती हैं, और इस वेवी मूवमेंट से, जिसको आप पेरिस्टलिस बोलते हैं, ऑब्जर्व आप थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इसको आप करेंगे, इससे हमारा खाना इस पाइप से स्टोमक तक आ जाता है। और स्टोमक क्या है, एक जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है, जो कुछ आपने खाया है इस पाइप से यहाँ स्टोमक में आके स्टोर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस और मस्कुलर चर्निंग होती है, यानी कि आपने अगर कुछ ठीक से नहीं चबाया तो और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है और कुछ एक एंजाइम्स यहाँ पर मिलते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो प्रोटीन्स हैं फूड के अंदर प्रेजेंट, उनको सिंपलर सबस्टांसेस में तोड़ देते हैं। और ये HCl का काम क्या है, ये किल कर देता है बैक्टीरियाज को। अगर कुछ भी अगर आपने खाया और उसके साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो ये उनको किल कर देता है। जो एसिड है अलोंग विद द फूड, जो भी बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनको किल करने का काम कर रहा है। स्टोमक के अंदर एक इनर लाइनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, स्टोमक को जो एसिड है उससे बचाने का काम ये करती है। नहीं तो मस्कुलर लाइनिंग अगर नहीं होगी तो एसिड हमारे पेट को ही ख़त्म कर देगा। तो द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। पूरा पूरा डाइजेशन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड आपका हो गया है। द फाइनल एंड द कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है वो हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। अभी हम कहाँ हैं, स्टोमक में है, जहाँ क्या हो रही है, चर्निंग हो रही है, और वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस उसके साथ मिक्स किए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ है, HCl है। क्या चीज़ है, HCl, यानी कि एसिड प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है आपको देखना है, तो ये जो है ये आपका है पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रेजेंट है ये, और आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है। ये लंबा पार्ट है जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें ये 6 मीटर इन लेंथ होता है और ये कॉइल्स में अरेंज रहता है इस तरीके से। ये देख रहे हैं ना आप, ये कॉइल्स की फॉर्म में ये अरेंज है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ट्यूबुलर शेप है और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। जो सेमी डाइजेस्टिव फूड है स्टोमक से जो आया है, चाइम जिसको हम कहते हैं, वो रिसीव होता है यहाँ पर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट आगे उसको करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाई लीवर एंड पैंक्रियाज। तो जो लीवर है और पैंक्रियाज है, वहां से जैसे लीवर है तो लीवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस। बाइल जूस की हेल्प से क्या हो रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स हैं प्रोटीन के, उनको स्मॉल में तोड़ा जा रहा है।
लीवर, इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड. ये आपको यहाँ ये जो ग्लैंड दिखाई दे रही है ये आपका है लीवर. इसको क्या बोलते हैं? LIVER, लीवर. राइट साइड में ये आपके अपर पार्ट में देखिए, यहाँ एब्डोमन में स्टोमक है यहाँ पे, और ये क्या है? लीवर है. यहाँ पर ये प्रेजेंट है. इसके नीचे यहाँ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है. इसका काम क्या है? ये सीक्रेट करता है बाइल जूस. ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का. बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से और उसको क्या कहते हैं? सेक. और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. बाइल जूस का क्या काम है? ब्रेक करना है उसको लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में. ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन. द डाइजेस्टिव जूसेस देन फर्दर ब्रेक दीज पार्टिकल्स इन टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. यानी कि इसने क्या किया? दो चीज़ों में उसको तोड़ दिया. एक तो एसिड में और दूसरा ग्लिसरॉल में. क्लियर? इस तरीके से ये काम हमारा कंप्लीट होता है. पैंक्रियाज, ये आपको यहाँ पे नीचे अभी मैं दिखाती हूँ. पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है, लोकेटेड होती है स्टोमक के नीचे. इट सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूसेस एंड रिलीज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर सुगर्स यानी कि ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कॉल्ड अमीनो एसिड्स. तो ये क्या कर रहा है? प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है? अमीनो एसिड्स में तोड़ रहा है. अमीनो एसिड्स और स्टार्च को ग्लूकोज में यानी कि सिंपल सुगर में ब्रेक कर रहा है. इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसीजर है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का. अब हमें सिर्फ उसको क्या करना है? एब्जॉर्प्शन का काम हमारा बचता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि जब हमारा पूरा डाइजेशन फिनिश हो गया उसके बाद क्या बचता है? एब्जॉर्प्शन. तो जो सॉल्युबल फूड है गेट्स एब्जॉर्ब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं. ये इनर लाइनिंग्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ देखिए ये प्रेजेंट है. ये इनर लाइनिंग है और उसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो ये कहाँ है? हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. द विलाइज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज. दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ये हमारा सरफेस एरिया जो होता है उसका बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा चीज़ें जो है अब्जॉर्ब हो पाए. द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फोल्ड्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. दस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विलाई. ये है हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. यहाँ ब्लड वेसल्स ही आप देख रहे हैं और जो फूड हमारा अब सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट चुका है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन उसका विलाई में कंप्लीट हो जाता है. फूड का जब एब्जॉर्प्शन जो है कंप्लीट हो जाता है तो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैरी होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. किससे? ब्लड के थ्रू. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो मैं आपको अलग से क्लियर कराऊंगी अच्छे से, तो उसके थ्रू वो उससे बाकी पार्ट्स में जो है कैरिड आउट हो जाता है. और उससे हमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है या फिर स्टोर कर लिया जाता है. ग्लूकोज ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इनहेल थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज एनर्जी. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड इन द ब्लड अंडर द स्किन एज एनर्जी रिजर्व्स. अमीनो एसिड्स आर यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा ये कैसा है? वाइडर एंड शॉर्टर है. वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होना है इसलिए वो ज़्यादा लंबी होती है. ये 1.5 मीटर्स इन लेंथ है. और कॉम्बिनेशन यहाँ क्या क्या है? ये तीन पार्ट्स हैं इनका. यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मैंने यहाँ शो किया है. देखिए असेंडिंग ऑर्डर है यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन है. वाइट कलर की वजह से नहीं दिखाई दे रहा आपको, चेंज करते हैं. तो ये है आपका असेंडिंग और इधर देखिए ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स है. ये पूरा आपका क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. यहाँ अपेंडिक्स है, ये आपका रेक्टम और ये एनस है. तो जो रेक्टम है हमारा वो आपको दिख ही रहा है कौन सा पार्ट है? लास्ट पार्ट है. आप आसानी से फिगर में फिगर आउट कर सकते हैं.
that holds the waste and undigested and unabsorbed food from the small intestine and passes into the large intestine. All the water from the undigested food is absorbed by the large intestine. यहाँ सिर्फ absorption of water होता है, किसी भी तरीके की बाकी चीजों का absorption यहाँ पर नहीं होता है. Rending the food in a semi-solid state. अब जब water absorb हो गया तो semi-solid form में जो undigested food है वो हो गया. तो this semi-solid food is stored in the rectum for some time, which is eliminated from the body in the form of feces. This process of elimination of waste from the body is known as the egestion or defection. इसी को हम egestion बोलते हैं. तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया कि small intestine में क्या हो, absorption complete हो गया. यहाँ large intestine में जो चीज absorb हो रही है वो क्या हो रहा है, extra जो water है उसका absorption यहाँ पर complete हो रहा है, और उसके बाद जो भी बच रहा है उसका elimination हो जा रहा है. Ruminants, ये भी आपके syllabus में है, ये भी आपको पढ़ना है. अभी तक आपने किस में पढ़ा, humans में पढ़ा कि digestion किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हम food intake ले रहे हैं, और उसके बाद वो absorption body में होके पूरे body को किस तरीके से energy मिल रही है. Ruminants जो हैं वो herbivores mammals को बोलते हैं, है ना. ये हमें रखते हैं इनको रूमिनेशिया में. इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं कैटल, बफेलो, एंटीलॉप्स, जिराफ्स, कैमल्स, बाइसन एटसेट्रा. ये सब क्या हैं, हार्बीवोर्स हैं. तो ये डाइजेस्ट करेंगे फूड को, और जो प्लांट बेस्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आसानी से, हम लोग जो है वो सेलुलोज नहीं पचा सकते, हमारी फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं होती है कि हम हरी घास वगैरह खा लें और वो सेलुलोज हम पचा लें, पर ये लोग पचा लेते हैं क्योंकि इनका स्टोमक का जो डिज़ाइन है वो उसी तरीके से. और इनसे हमें मिलता क्या क्या है, मिल्क, मीट और अदर प्रोडक्ट्स. इनका स्ट्रक्चर जो है स्टोमक का वही हमें मेनली समझना है कि किस तरीके से फूड इसमें जो है वो ये लोग एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, फूड का पाचन जो है वो किस तरीके से इनके उसमें हो रहा है. तो इनका फोर्थ चैम्बर जो है आप देख रहे हैं स्टोमक है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ. अभी ये इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर अब हम समझते हैं इस पिक्चर की मदद से. तो ये हमारी बफेलो हैं और ये फूड इनटेक ले रहे हैं. तो ये देख रहे हैं आप लीव्स, ये घास जो है ग्रास, इसमें क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज, और ये इसको इनटेक ले रही हैं सेलुलोज को. अब ये यहाँ से इनके माउथ में च्यू होगा, च्यू करने के बाद ये यहाँ इसोफेगस में जाएगा, और इस इसोफेगस से होता हुआ ये इस बड़े से पार्ट में यहाँ र्यूमन में जाके स्टोर हो जाएगा. इस र्यूमन में क्या है, यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो उस पर वर्क करेंगे और सेलुलोज के पाचन में यहाँ मदद करेंगे. इनके पेट में बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं. ठीक, क्लियर. अब यहाँ से ये वापस यहाँ आता है रेटिकुलम वाले पार्ट में फूड. जब ये आराम से बैठे होते हैं तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपने देखा होगा जिसको जुगाली बोलते हैं वो चबाते रहते हैं फूड को. तो ये फूड वापस इनके यहाँ से माउथ में आ जाता है और ये उसको फर्दर च्यू करते हैं, और यहाँ से ये बैक फिर से जाता है आपका ओमेसम में. यहाँ इस ओमेसम में इसके साथ आपका जो वाटर है वो एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है और उसको फिर आगे पुश कर दिया जाता है. तो जो ट्रू जो स्टोमक है इनका वो क्या है, ओमेसम है. थोड़ा सा बोलने में गलती हुई मुझसे, ये ओमेसम जो पार्ट है ये क्या है, ट्रू स्टोमक है इनका. क्लियर, ट्रू स्टोमक. और यहाँ से आपका फूड जो है यहाँ चला जाएगा इंटेस्टाइन में, तब हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा. तो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके. ये क्या है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है. तो पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ कि यहाँ माउथ से इन्होंने च्यू किया, वापस कहाँ पहुँचा, वो र्यूमन वाले पार्ट में गया जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं और वो सेलुलोज के पाचन में बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं, और वो हाफ च्यू हो गया. और वो जो फॉर्मेशन हुई उसकी, उसको क्या बोलते हैं आप, कड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, CUD, कड. और ये कड कहाँ जाता है, वापस माउथ में आता है जब ये खाली बैठे होते हैं, और ये फिर उसको च्यू करते हैं तब वो आपका ओवेमेसम में आ जाता है, वहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन फूड का कंप्लीट हो जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया.
लास्ट टॉपिक हमारा बचता है न्यूट्रिशन इन अमीबा. ये भी आपके सिलेबस में है और आपको पता है कि अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि ये किसका क्या है, वन सेल है. यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिसेल्युलर. ये हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन जो है ऑर्गन्स हैं, ये सिंगल सेल्ड है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे आपको दिखाई भी नहीं देगा. और दूसरा, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अमीबा के अंदर और उसकी कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है ना. तो ये जो आपका अमीबा है ये किस तरीके से फूड खा रहा है और कैसे उसको जो है एनर्जी मिल रही है वो भी हम समझ लेते हैं. तो उसके भी वही पार्ट्स हैं, देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजुकेशन. तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सीरोपोडिया. बल्कि अभी मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाऊं तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और पूरा क्लियर भी होगा. पिक्चर की हेल्प से समझो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वैसे आपको थ्योरी में समझ नहीं आएगा. तो ये है आपका अमीबा और यहाँ इसने ये सीडोपोड्स जो हैं इसके आ गए हैं और ये आपका क्या है, फूड पार्टिकल है. इस फूड पार्टिकल के आने से इसने क्या किया, इस प्यारे अमीबा ने ये सीरोपोड्स बढ़ा दिया. देखिए ये है ना सीरोपोडिया, और ये आपका क्या बन गया, फूड वैक्यूल इसने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है. इस फूड वैक्यूल का अब होगा डाइजेशन. डाइजेशन जब होगा तो ये यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज कर देगा. इसके अंदर क्या चाहिए आपको, एंजाइम्स चाहिए. उसके बाद ये आपका इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. ये चीज़ है आपकी क्या, साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम इसको. क्या है, साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन फूड का हो जाएगा और अब जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसको आउटर को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, बाहरी परत जो है इसकी ये है. यहाँ से ये देखिए, ये इसने इसको एक्सपेल्ड कर दिया, डाइजेशन हो गया. तो क्या है, फूड आया, सीरोपोडिया ने इनटेक लिया, फूड वैक्यूल बना, डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया. इसको भी एनर्जी चाहिए होती है. यहाँ इसका साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर एसिमिलेशन हो गया और उसके बाद ये हो गया इसका इजेशन. तो ये सारे के सारे आपको स्टेप यहाँ क्लियरली समझ आ रहे होंगे. ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक आपको इस पिक्चर से समझाया गया है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस अमीबा में किस तरह कंप्लीट हो रहा है, अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है ना. तो यहाँ उसने ये फर्स्टली इनटेक लिया और यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल्ड कर दिया. तो ये पूरा प्रोसेस अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको आगे के चैप्टर क्लियर कराऊंगी. अगेन वेरी थैंक्स.